हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग मुंबई से आए हैं और इसको लग रही है बहुत ही भूख लग रही है। और हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारी कुक आंटी आ जाए, लेकिन वो खुद का खाना खाने चले गई। हम यहाँ बैठे हैं भूखे। क्या बात होती है। और आज सुबह सुबह इसने मेरा माथा खराब कर दिया। मैंने क्यों कर दिया तेरा माथा खराब? तू, तेरा माथा पहले से खराब है। सही बात है, माथा तो मेरा खराब है। फोन किसने खराब किया वो बता दे। अरे वो कुछ भी नहीं, वो एक डेट चेंज हो गई थी। मैं आपको बताती हूँ, तो हम लोग फ्लाइट में थे। मैंने फ्लाइट से पहले अपना फोन चलाया, बिल्कुल सही था, उसमें सांसें चल रही थी। फिर मैं इसने मेरा फोन मांगा। मैं पता नहीं क्यों मांगा, मेरे को लगता है इसलिए मांगा कि मैं सो जाऊंगी तो इधर उधर ना हो जाए, फोन इसलिए मांगा। इसने कैंडी क्रश खेलने के लिए मांगा। उसके अंदर इसको चांस नहीं मिल रही थी ना, बहुत टाइम देर की दिखा, तो इसने डेट चेंज कर करके अप्रैल और पता नहीं मई में पहुंचा दिया मेरा फोन। और मेरे फोन में एक भी ऐप ना चले। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, मेटा का कोई ऐप नहीं चल रहा। तो मैंने मेटा की टीम को मैसेज डाल दिया, ये मैसेज डाल दिया, वो मैसेज डाल दिया। बेचारे अगर ब्लॉग देखेंगे ना तो गाली और पड़ेगी अपन को। मुझे क्यों पड़ेगी, तेरे को पड़ेगी। अब इसने ना डेट चेंज कर दी। अब मैं देख रही हूँ क्या क्या हो गया। फिर मेरे को याद आया, फिर इसने ना कैंडी क्रश, और जैसे मैंने डेट सही करी वो सही हो गया। गधा, इतनी सी बेसिक सी चीज थी, इतनी समझ में नहीं आई तुझे। तुझे आ गई थी। देख लो। भाई गाइस, आपको पता है मेरा बर्थडे तब पास आ रहा है और ये लोग कुछ प्लान नहीं कर रहे मेरे। सच्चाई बता दूं सबको, मेरे बर्थडे की प्लानिंग मुझे खुद करनी पड़ रही है। बड़े अफसोस की बात है यार गाइस। हां दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है। फ्लाइट में ना सोते सोते ये दर्द हो जाता है। ऐसी तेजी हो रखी है बिल्कुल भाई। मैं और मेरे पास वाली लड़की दोनों भयंकर तरीके से सो रहे, और हमारे पास वाले अंकल दोनों बातें कर रहे हैं। कुत्ता गुस्सा रहा उनके ऊपर। भाई आज फ्लाइट में इतनी तेज तो नींद आ रही। सुबह सुबह की फ्लाइट हो गई, जल्दी से आना था यहाँ पे ताकि ना आके काम वाम में लग जाए। फ्लाइट में सोऊं, वो अलार्म लगा रखा 10, या तो उनको स्टॉप करना नहीं आया आईफोन का अलार्म, और फुल वॉल्यूम में। और पूरे पूरा प्लेन आसपास इतना इरिटेट हो रहा, मैं खुद इरिटेट हो रही। मतलब हर 5 मिनट में टेन। आज हम दोनों को सीट एक साथ ही मिली, अलग अलग मिली। मतलब जैसे 13 रो में मिली, बट इसको 13B मिली, मुझे 13E मिली। तो इधर बैठा ये, मैं इधर बैठी, और उसके पास अंकल बैठ गए। वो हर बार, और मैंने से नींद में जगूं कि मेरा फोन तो नहीं बज रहा बेचारा। फिर देखूं, अरे अंकल दो गाली देऊं अंकल को मन में, फिर वापस हो जाऊं, फिर वापस जगूं। कम से कम 8 बार तो जगा दिया अंकल ने मुझे। लंच टाइम दोस्तों, आज का ब्रेकफास्ट तो स्किप ही हो गया। कैसे से क्या कर रही है? खिचड़ी भाई बहुत टेस्टी होती है मसाला खिचड़ी। ये इससे अच्छे तो ये बनाती है। हां यार, इतनी अच्छी तो नहीं है। थोड़ी सी देर चलाया था, 5 मिनट यार। नहीं वो कमरा कितना ज्यादा गर्म हो रहा था। वो कमरा तो गर्म है, वो तो गर्म है। चलो बहन, लेकिन फिर भाई अभी रिस्क मत लो, जब तक प्रॉपर गर्मी नहीं आ जाए, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है हर 2-3 दिन में। तो मैं, मिको और भानु जा रहे हैं संजीव भैया के पास, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते में, मतलब हम लोगों ने बहुत ऐसे मुंबई जाना, फिर जयपुर आना, फिर जाना, उसके चक्कर में ना मेरे बालों में इतने प्रोडक्ट्स लगे। अभी मुंबई लैक्मे फैशन वीक में भी इतना ड्राई शैम्पू सब भर गया कि मैं खुद नहीं धो पा रही हूँ। सच में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं, मुझे खाना खाते इतनी तेज नींद आने लगी, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये देखो, रात को भूत की स्टोरीज देख ली, पूरी रात सोई नहीं, अब इसको भी नींद आ रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं संजीव भैया के। मैं अपना मतलब बालों को अच्छे से वॉश करवाऊंगी, बालों में थोड़ा ओजोन दूंगी, क्योंकि डैंड्रफ वापस आ गया है। तो यस, वही करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हो, माय स्किन इज नॉट डूइंग मच, मतलब गुड समथिंग व्हाटएवर। और मैं आपको बता दूं, जो अभी आपको मेरा थावड़ा चमकता हुआ दिख रहा है ना, चलो ये सिर्फ लाइट का कमाल है। ये इधर आते, ये खत्म, ये मामला खत्म। मतलब वैसे फेस इट, हाय बेबी, हमारे सामने ये क्यूट सी बच्ची रहती है जो हमसे रोज मिलती है। हाय से हाय कर दो, से हाय। ये बस इतनी बात करती है, फिर थोड़ी देर में भग जाएगी। हाय रुमाल बहुत क्यूट है ये। इसका ब्रदर भी बहुत क्यूट है। हाँ तो मैं बता रही थी, मेरी स्किन बिल्कुल भी सही नहीं है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और उल्टा सीधा खाना उसकी वजह से ये हो गया है। बट अगर किसी को एकदम से एक्ने फ्लेयर अप होता है, मैं थोड़ा अच्छे से आपको बता देती हूँ। अगर एक्ने फ्लेयर अप हो रहा है तो यूज सैलिसिलिक एसिड विथ नायासिनमाइड। इसकी जगह पहले जो मैं यूज़ करी थी पिगमेंटेशन के लिए, जिसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी, जो मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन था काफ़ी कम हो गया है, वो दैट इज फॉर पिगमेंटेशन। बट अगर आपको एक्ने आ रहा है तो सैलिसिलिक एसिड यूज़ ज़रूर करना,
वो आप कौन से ब्रांड का करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यूज नायासिनमाइड एंड सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन। उससे नायासिनमाइड जो है, अगर आपको जैसे दाग हो जाता है, जैसे मुझे ये ना ये वाला दाग, ये तो अब देखो बिल्कुल फेड हो गया है जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग नायासिनमाइड, तो उससे डार्क स्पॉट्स फेड होंगे एंड सैलिसिलिक एसिड आपके एक्ने पे वर्क करेगा। हेलो ना एक वो खोल दी, अब उसको दूसरी को भी खोलनी है। अच्छा हाय, इसका नाम भूल गई मैं, थिया। हाय थिया, यू नो शेक हैंड, कम ऑन। किसका पकड़ती, किसका पकड़ती, मेरा 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 प्लीज, किसी का भी नहीं पकड़ेगी। ले ले, करा ली बेइज्जती बच्ची से। देखिए भानु का पकड़ती है नहीं, अरे इतना लंबा इंसान देख के डर गई थिया। नहीं। नहीं। चलो गाइस, चलो चलो, बाय थिया। गेट खोल लिया, इसको छोड़ के जा रहे थे। और क्या, हमने बंद नहीं की, और हम क्यों कष्ट करें वहाँ पे खोलने का। और क्या, शेमड़ी शेमड़ी यार, तुम ना रात को सोया करना। हाँ रात को तो भूतोगी, वो देख लेगी पॉडकास्ट, फिर रोएगी। और कल भी नहीं देखी, परसों देख रही थी जब आप यहाँ पे थे ना। हाँ। तो परसों को सुबह तक नहीं सोई, ऐसे बोल रही है। हाँ। और कल भी पूरी रात नहीं सोई। अरे क्या गवा रहे यार, इसको बोल रहा टाइम से सोया था। मेरी बात सुन, ये जो तेरे सर में बीमारी है ना, ये डैंड्रफ वाली, ये तेरी लाइफ स्टाइल बुरी है, इसकी वजह से है। टाइम से सो, और टाइम से खाना खाओ, टाइम से जग, समझ में आ रही है ना। नहीं तो ये जो बीमारी है ना लाइफस्टाइल वाली, कभी सही नहीं होगी। देखो देखो, तो हम लोग ना ऐसे थोड़ा होली का शूट प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक दुकान दिख गई कि होली के कलर्स मिल रहे हैं। उसके लिए आंखें चाहिए और दिमाग भी, जो तेरे पास नहीं। देखो देखो, तो हम लोग होली के कलर्स ले रहे हैं और थोड़ा बहुत और सामान ले रहे हैं। हम लोग वीडियोज बनाने वाले हैं बहुत ही मस्त मस्त से, आप लोग देखना। चलो फिलहाल तो शॉपिंग कर। देखो ये रहे पूरी चीजें, ले भाई भानु। चलो ये एक पैकेट, तो ये दे दो एक पैकेट, ये दो एक पैकेट, ये दे दो। अरे ये तो पर्पल है। हाँ ले लो एक, और ये भी ले लो हितेश जी के लिए, तो तैयार कलर एक ये भी ले लो भैया। कितने का है ये एक पैकेट? ये पड़ेगा 26-27 रुपए करीब, फिर अंदर वहाँ पे पर्ची मिलेगी। सही है, ठीक है भैया, रेडी है होली खेलने के लिए। मेरे को चश्मे ले लो, मीकू के लिए पिचकारी भी ले लो, पिचकारी ले लेते लिए, छाट के ले ले, पीछे लटकाने वाली ले ले। हाँ पिचकारी लिख रहा है दीदी, सब पे लिख रहा है, टैग लग रहा है। 1300 रूपए, 1299 लिख रही है, 1300 हो गई ना, 740 ले लेते हैं यार। इतनी बड़ी हाँ, नहीं पानी की है। डिस्काउंट के बाद कितने? 900 रूपए डिस्काउंट का। 900 रूपए छोटी छोटी ले ले, मीकू इतनी बड़ी मत ले, वीडियो के लिए। हाँ ये कितने की है देखना, असला बारू, ये भी सेम है। दीदी रेट देखो, ऊपर रेट लिख रही है। हाँ वही यहाँ पे 1300 लिखी है, वही 900 रूपए की। अच्छा हाँ, एक गन ले लो और एक ऐसी लटकाने वाली ले लो। एक तो ये गन दे दो भैया, दे दो, और एक दे दो पिचकारी पागल के लिए। पिंक कलर की आप बिल अंदर से ले लेंगे, आप तो साइड में रख दो सब। चश्मे ले लो दीदी, एक तोतैया, एक हरा, एक नीला, एक पिंक। ये सूरज का है बस यार, बहुत है, चार बहुत है। हाँ हमारी होली की तैयारी हो चुकी है। सूरज भैया के लिए ले रहे हो? तो वो ही खाता है, मैं थोड़ा खाती हूँ। शायद ये वाला लिया था एक बार अपन ने, पान वाला। ये वाला ना? हाँ गलत जगह पे आ गई मैं, बहुत ज्यादा गलत जगह पे आ गई। क्या दिख गया? अरे कुछ नहीं रे, अरे गुब्बारा रेंदो रेंदो, ये तो अपने है ही ना। हाँ भाई मुझे बचपन में कभी गुड़िया नहीं दिलाई थी, और चाटा भी पड़ा था। वो तो अभी पढ़ते रहते हैं। अरे मेरे को अपने लिए वो लेनी थी, चुई मिंट्स। अच्छा ये लेने के लिए रुके थे क्या आप? हाँ मतलब यहाँ मैं इसलिए आई थी। और फिर यहाँ 4000 रुपए का बिल तो हो चुका, कैसे जो आप सामान लाला के रख रहे हो ना यार। मैंने तो कुछ नहीं रखा भाई, भानु यार दिखा दे जाए यार। अंकल ये वो है क्या, च्युइंगम? हाँ नहीं ये तो अपने घर पे रखी है ना, वही वाली है वो आपके रूम में, मैंने खाई है तो 2-3 बार। हम आए थे संजीव भैया के पास, और देखो क्या चल रहा है, रेनोवेशन बढ़िया भैया। नीचे आप पूरा रिनोवेट करा सारा सारा अच्छा सारी है। कैसी है भैया? मतलब यहाँ पे पूरा हमारा नया मतलब वैशाली, बिल्कुल न्यू लग्जरी सलून।
आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। गाइस हम लोग आए हैं व्हाइट कुर्ता लेने मेरे और मिकू के लिए, क्योंकि हमें ना स्टोरीज बनानी है बहुत फनी फनी सी, हम होली का बहुत फनी कंटेंट बनाने वाले हैं। तो अब लड़कियों के तो मिले नहीं, तो हम लोग लड़कों के देखने आए हैं। लड़कों में हमें मिला है देखो ये ऐसा वाला जो रहता है ना, ये वाला मिला है हमें। अब ये तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम भैया से इससे छोटा मतलब साइज मंगवा रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ अलग कपड़ा वपड़ा मिल जाए। हमें यहाँ तो नहीं मिल पाया, अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम कहीं और जा रहे हैं। अभी एक और शॉप पे आए हैं और जिसपे हम पहले गए थे उन्हीं की मतलब ये शॉप है। हाँ भैया, व्हाइट कलर की कुर्ती दिखा दो मेरे और इसके लिए। और हमें फाइनली लड़कियों वाले कुर्ते मिल रहे हैं, दो ही कुर्ते चल जाएंगे यार दीदी अभी तो यार। हाँ चल तो जाएंगे भैया, थोड़ा सा चिकनकारी हल्का और बहुत चिकनकारी अगर मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। ये लग रहा है, थोड़ा लग रहा है, वेरी गुड भैया। और लंबे ये शॉर्ट नहीं आपके पास? हो जाएगा, दिखा दिखा शॉर्ट दिखा दो। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं नहीं इतना तो टाइम नहीं है भैया। ठीक है ऐसे में एक और दे दो, थोड़ा डिजाइन डिफरेंट टाइप। ये हमने दो व्हाइट कुर्ते लिए, दोनों दिखने में काफी सिमिलर है क्योंकि चिकनकारी तो दूर से तो सिमिलर ही लगेंगे। हितेश जी के लिए तो ये वाली। अरे देव को चल, ये किस लिए लाई है? चल चल अपना क्रेडिट कार्ड निकाल। उसमें कुछ है नहीं, बिल ड्यू है, दे दे दे। चल अपना क्रेडिट कार्ड निकाल, चल पर्स खाली कर। साले ये कितनी बड़ी है भाई यार, ये जो पिचकारी है ना, ये जो पिचकारी मेरे माँ बाप को बोलता रहता था, कभी दिलाते नहीं थे। मुझे फेरी वाली पिचकारी चाहिए थी। अरे मतलब ये बटन, ये बैग, मुझे तो ये वाली पिचकारी चाहिए थी। अरे ऐसे तो नहीं आता था, ऐसे भी नहीं आता था, वही वाली। आप भाई, मैं कभी जीवन में होली नहीं खेली। इस बार खेलो यार भाई, जिस दिन इसके साथ किसी ने होली खेल ली जिंदगी भर का। अरे देख लो भाई चश्मे भाई, तुम जबरदस्ती पैसे उड़ा के आ गए ना। फाल तू, मैं देख, हम हमारी वीडियोस के लिए लाए दो और क्या। कुछ भी देखो, जानता हूँ बहुत अच्छे से यार। दीदी को नहीं लेके जाएंगे अगली बार से शॉपिंग पे? तो भाई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे तो पकवान चश्मे भाई, थर्ड क्लास कौन पहनेगा? अरे तो एक बार पहनने के होली के दिन। गोवा पे भाई कितने के मिलते हैं? गोवा वाले बीच पे 20 रुपए के, 20 के तो यही नहीं मिल रहे यार। देखो ऊपर चढ़ जाऊंगी, गेट कर लूंगी, बस नीचे से आपके दूंगी हमारे। अच्छा ये भी वीडियो के लिए बनाने के वीडियो के लिए है भाई, ये होली के स्नैक्स, होली के मुर्गा छाप, मुर्गा छाप, मुर्गा छाप। कलर वालर में फैला देना, पैक कर देना। पागल, पता नहीं कैसे भी लीक हो जाते हैं। ये तो आपके लिए, ये तो दे लेला है, मैं खाता भी नहीं है। देख लेंगे, देख लेंगे। ये आपकी का एक तो खाता है। लस्सी मिला दे, लस्सी बांगवाली, लस्सी घोटता हूँ। ये हम लोग शूट के लिए रेडी कर रहे हैं, 1500-1500 रुपए कुर्ते लाए, 300 वाले ला दे भाई, ये लाए नहीं। अरे तो मुझे मिले ही नहीं तो, प्लीज यार। गाइस एक चीज समझ में आ गई, अगर कोई सामान लाना है तो स्पेशली उसको तो भेजना ही नहीं है। किसको? तेरे को। मेरे को क्या बोल रहा है, मैं तो सही लेके आई हूँ यार। ये तो मैं सही लेके आई, 1500 रुपए पूरे मार्केट में घूम लिया, पर हमको कुर्ते नहीं मिले, सिर्फ एक दुकान में मिले। यार बकवास मत कर, मेरे को जान दे, ले ले कलर 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 लगाओ, ये मटके, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भांग बना रहे, भांग। आज तो बस पानी भर दो आंटी, आपको भांग भी लगी रहूंगा आज। आज आंटी भांग भी खाना बनाओ, देखो कैसा बनता है, पक्का टेस्टी बनाओगी आप। ये एक बार ट्राई करने की भांग, हट वो भाई। भाई चलो असला एक बार भांग पिलानी इसको, हितेश को पिलाके यही बैठा लेना। भांग भाई बहुत खतरनाक होती है। यशी दादाजी पीते थे ना भांग? पीते अभी पीते, मैंने भी पी ली थी, मैं सिक्के से गिर गई थी। एक इधर मत करना, नहीं कलर कलर ही रह जाएगा इसका। लुढ़क गई थी, लुढ़क सूरज, यहाँ पे पानी है। अरे तो क्या करूँ, पानी है तो। अरे अरे इसका क्या करना है, ये तो हम होली के लिए लाए। ये वो पटाखे नहीं होते यूं चला के, जबरदस्ती के पैसे खर्च करके आई है। चुप रहे, जबरदस्ती के कोई पैसे खर्च नहीं हुए, तो बोल मत। जा तेरे पापा को ले, बुला ले, जा आंदे आ तेरे पापा। अगर इनके बिना तेरा वीडियो बन जाए तो मेरा नाम रख दियो। 20 रुपए का पैकेट आता है, ये 20 का वो आता। हाँ तो इतने का ही लाया, 25 में एक के साथ एक फ्री है। अब ये तो थोड़ा 12 रुपए का हो गया। तो बस ये दो चीज ठीक लाए तुम। देखो तो बैठे बैठे बातें आ रही है, ये लिया है वो लिया है, खुद से तो तेरे से कुछ हुआ नहीं। तो फिर 5000 कहाँ से ले गए? अरे कुर्ते आए ना भाई, 1000 की 1300 की ऐसे पिचकारी आ गई। ठीक कलर लगा ले तू, और 1300 आज तक मैं 1300 रुपए पूरी होली पे खर्च नहीं होंगे आज तक के मिला लो। प्लीज यार कलर लगा दे ऐसे, बस ये दो। माय गॉड
जल्दी कर दे यार, देखो भी बता रगड़ने से क्या होगा। अरे यार रिस्की मामला है। खुशबू वाला है, खुशबू वाला बस दो इधर फटाक से। इधर एस बना दूं क्या एस? अरे यार मत कर यार, जल्दी कर दो, अंधेरा हो रहा है। ये ले, देख क्या लग रही सोनी कुड़ी। हो गया कुड़ी पंजाब बन। ब्लू भी लगा दो, जा जा जल्दी कर, देखो तो ये कभी कलर लगाती नहीं है, वीडियो के लिए लगा रही है बस। इतने अच्छे से डिजाइन से लगाया मैंने, देख बस। चलो 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 चलो, और शेमड़ी के भी लगा, शेमड़ी के लगा, इसके रगड़ दे इसको। अरे इसको तो रंगो, ज्यादा रंगना नहीं है, ज्यादा रंगना नहीं है। क्यों इसको तो रंगो, जो ढंग से रंगो। हल्का सा लगाया था, हटियो मत कर यार, परेशान यार। बस ठीक है, लग रहे हो आप, लग रहे हो। हितेश भैया टीका निकालो, टीका सर पे पट्टी बांध रखी, टीका कहाँ से लगाएगा? ब्लू वाला कलर का लगा दे, ऑरेंज से लगा दे, ऑरेंज जैसा लग रहा है। अरे भांग वाले भैया, टीका लगा, टीका लगा, टीका लगा, सही लग रहा है। इसके तो लगाया नहीं कलर, लगा रहे सोरी में लगाएंगे, नाक के अंदर घुस गया कलर। इस बार होली खेलेंगे इतेश, बैंकर वाली अपनी सोसाइटी में खेलते हैं बैंकर। इस बार अपनी सोसाइटी सही लग रहा है भाई। इसको इसको अगर आपने होली पे देख लिया तो हमारे साथ नहीं था तू, अभी पढ़ा होगा चैट में, ढूंढ लूंगा वो वीडियो, पढ़ा होगा वीडियो पे डाल दूंगा अगर मिल गया तो। ठीक है, एकदम लाल कलर का, कोई होश नहीं था। इनके दोस्त इनके मजे ले रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं। अलग ही। अरे हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। मस्त लग रहा है ना? हाँ लगा दे, लगा दे। ले चल चल रुक। यार कितनी सुंदर लगती है लड़कियाँ कलर हल्का फुल्का लगा के। और एक हम लगते हैं ऊंदरे मूसड़ एकदम। पागल हो गई है। क्या बन रहा है? बहुत सेक्सी चीज बना रहे हैं। ये क्या बन रहा है? ये बिस्किट और बटर का वो है, और ये हमारी ऊपर की वो तैयार है क्रीम। ये देख ठंडाई वाली, मतलब ये बनाया क्या एग्जैक्टली तुमने? ये सॉर्ट ऑफ कपकेक्स लेकिन होली स्टाइल। अब मैं मतलब कपकेक ही हो गए ना, क्या हो गए ये? वो हो गई, जो भी हो गया केक हो गया। ओए केक मान ले, अब इसको मैं इसमें भर दूंगी, पहले इसकी लेयर जाएगी, फिर इसकी लेयर जाएगी, फिर इसकी लेयर जाएगी, फिर इसकी लेयर जाएगी, है ना? ओके नहीं एक ही जाएगी, एक ही जाएगी, पर मैं तो ज्यादा वाली बनाऊंगी। अभी आज देख चखा ले, चढ़ गई भांग इसके। तो दोस्तों मेरी जो ठंडाई वाली मिठाई प्लस केक था वो रेडी हो चुका है। ये वाला मैंने थोड़ा पहले बना दिया था, तो ये बहुत ठंडा ठंडा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। तो अब हम जाएंगे सूरज को खिलाने। चलो सूरज आ जा यार, ठंडाई वाला केक ले। देखने में कितना यम्मी लग रहा है ये। अब यम्मी है ये, कम बोल। अच्छा है, मजेदार, शानदार। कितनी बुरी लग रही है यार, छुपरे यार, मैंने वो टाल लिया। बहुत टेस्टी बना यार, ठंडा मस्त।